सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। भाइयों, आज अपने फार्म पे बर्ड्स का 25 डे है और अपने फार्म पे आज दोस्तों एवरेज क्या होनी चाहिए एक 25 डे पे, इसका कैलकुलेशन हम निकालने वाले हैं, क्योंकि हमारा दाना जो प्री स्टार्टर से स्टार्टर और स्टार्टर से बच्चा फिनिशर में पहुंच चुका है, आप 25 दिन में फिनिशर में पहुंच चुका है, तो लगभग इसमें क्या वजन होना चाहिए, क्या इसका एवरेज होना चाहिए, एवरेज बॉडी वेट क्या होना चाहिए, तो आज हम ये एवरेज बॉडी वेट करेंगे अपने फार्म पे बर्ड का। जैसे कि मैं अभी आप देख रहे होंगे अपने फार्म पे बच्चा एकदम तंदुरुस्त है और एक्टिविटी बहुत बढ़िया है एकदम। आज 25 डे भी देखेंगे, अगर मैं बच्चे को बुलाऊंगा तो लगभग बच्चा बुलाने पर आएगा भी, जैसे अभी आप देखेंगे। दोस्तों बच्चे की एक्टिविटी देखिए, आप एक बार बच्चे की एक्टिविटी देखिए, बच्चा कितना मतलब एक्टिव है और कितना मतलब फुर्तीला जैसा लग रहा है कि बुलाने पर बिल्कुल आना चाह रहे हैं। क्योंकि दोस्तों नॉर्मली जैसे कि हम देखते हैं बच्चे में अगर बच्चा 20-21 दिन का हो जाता है, जैसे किलो भर से पार चला जाता है, तो बुलाने पे बच्चा कभी नहीं आता है। लेकिन जो जिस टाइप से हमने यहाँ पर एटमॉस्फेयर दे रखा है बच्चे को और जिस टाइप से हमने बच्चे की एक्टिविटी शुरू से मेंटेन करके रखी है, जिस टाइप से बच्चा हमने पाला हुआ है, उस टाइप से बच्चा मतलब अभी 25 दिन में भी इस टाइप से बुलाने पर बिल्कुल दौड़ दौड़ के आ रहा है हमारे पास। अभी देखिए आप और एक बार, कोने कोने से बच्चा निकल के मेरे पास आ रहा है। देखिए आप, मेरे पास आके इकट्ठा हो चुका है यहाँ पर कि क्यों हमें बुलाया जा रहा है करके। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है, ये फार्म थोड़ा सा बड़ा है, 10,000 बच्चे से बड़ा है। और दूसरी बात, इसमें अभी दाने के कट्टे लगभग लगभग एक टाइम पर ही 20 दाने के कट्टे लग रहे हैं, 20-25 दाने के कट्टे लग रहे हैं, क्योंकि दाना दो टाइम डालना पड़ता है सुबह शाम। और बच्चा जगह मांग रहा है, दोस्तों जगह देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ठंड में थोड़ा हिसाब से जगह दें अपने फार्म पे, बच्चे को ठंड ना लगे, कोशिश करें। और हमने जैसे कि आप देख रहे हैं पर्दे, आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा आधा आधा फीट जैसा पर्दा इस तरफ खोला हुआ है, आधा फीट पर्दा इस तरफ, एक फीट पर्दा इस तरफ खोला हुआ है, ताकि बच्चे को थोड़ा सा जो वो बनी हुई है गैस अंदर की बन जाती है, उसको बाहर निकलने के लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरा आप देखेंगे लीटर का मैनेजमेंट, देखिए दोस्तों बहुत बढ़िया लीटर हो रही है अपने फार्म पे, आप एकदम देख सकते हैं, चारों तरफ देख सकते हैं फार्म के। अभी हमने बिल्कुल वहाँ से बंद कर रखा है, अभी बच्चा पीछे को और बढ़ाना है, थोड़ा सा घना हो रहा है इसमें। आज 25 दिन का है, मैं इसका बॉडी वेट करके दिखाऊंगा आपको और आपको मैं पूरे फार्म की वीडियो बना के एक बार बताऊंगा शुरू से लास्ट तक, मेरा कैसा क्या मेडिसिन लगी, क्या क्या लगा, मैंने कैसा बच्चा पाला और मेरा कैसा इसमें एक्सपीरियंस रहा। क्योंकि जो मेरा सेड है वो थोड़ा सा नॉर्मल सेड से डिफरेंट है, मैं इसकी आपको सारी एक्टिविटी भी दिखाऊंगा, फार्म की पूरी वीडियो दिखाऊंगा, बने रहें मेरी वीडियो में। और मैं वेट करके अभी दिखाता हूं आपको बच्चे में कितना 25-26 दिन में कितना वजन गेन कर रखा है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि मैं वेट करने वाला हूं बच्चे का कि कितना वजन बच्चे ने मेरा उठा लिया। अभी लगभग दोस्तों अभी आज 24-25 दिन हो गए हैं, बच्चा लगभग 1,150 ग्राम 1,200 ग्राम में वजन आ रहा था। तो दोस्तों जैसे कि दाने, जिस टाइप से बच्चे ने दाना खा रखा है, जिस टाइप से बच्चा पानी पी रहा है, जिस टाइप से बच्चे ने अभी तक की FCR बन रही है, जिस टाइप से बच्चे का खाने का रेशियो है, उस टाइप से लगभग वजन बहुत सही आ रखा है बच्चे में। ठीक है, इतना ही वजन होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो तो और बढ़िया है, लेकिन इससे कम भी नहीं होना चाहिए, मतलब ऑन एन एवरेज एक गुड है, बहुत अच्छा इसका वजन अभी ठीक दिखाई दे रहा है, जो कि 1,150-1,200 ग्राम में बच्चा है मेरा 24-25-26 दिन के अंदर अंदर। तो इसमें मुझे कोई ऐसी दोहराई नहीं लगती है कि बच्चा कोई वजन कम उठा रहा है या फिर ज़्यादा उठा रहा है इस टाइप से। तो दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जैसे कि आप अपने फार्म पे अगर अच्छा वजन उठाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है, अभी तो ठंड के दिन चल रहे हैं, बच्चा दिन भर रात भर लगातार कंटिन्यू खाते रहता है, लेकिन दोस्तों जैसे रात को बच्चा बैठ जाता है तो हमें क्या करना है, उस टाइम पर बच्चे को हिलाते रहना है, कम से कम हर आधे घंटे में, एक घंटे में, रात की नींद तो ख़राब करनी ही पड़ेगी अगर बच्चे को वजन अच्छा गेन करना है 30 दिन के अंदर अंदर या फिर 35-40 दिन के अंदर अंदर, बच्चा हमें सेल आउट करना है
और अच्छे मार्जिन पे सेल आउट करना है, तो दोस्तों बच्चे को उठाना पड़ेगा रात रात को और उसको ज़बरदस्ती दाने पर लगवाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे कि अभी आप देखेंगे ना, अभी मैं हूँ यहाँ पर खड़ा, ठीक, अभी मेरी वीडियो आपको खड़ी दिख रही होगी, मान के चलिए अभी मैं चल के जाता हूँ, आप देखेंगे आगे से जो बच्चा चल रहा है वो सारा या दाने पर या पानी पर कहीं ना कहीं चिपक जाना है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको करके दिखाता हूँ, और यही सब आपने लगभग दिन के टाइम पर करना है। दोस्तों जैसे कि अभी देखिए मैं बच्चा उठा रहा हूँ, ये मैंने बच्चा हिला दिया डंडे से, देखिए बच्चा लगभग इतना हिल गया, और ये दोस्तों कहाँ जाके लगेगा देखना आप। कुछ दोस्तों कुछ बच्चा देखो पानी पर लग गया, वहाँ दाने पर लग गया, उधर दाने पर लग गया है, और इधर देखो दोस्तों बच्चा दाने पर लग चुका है, ये दाने पर लग चुका है, इधर दाने पर लग चुका है, और उधर देखो दोस्तों दाना है नहीं तो बच्चा क्या खाएगा, लेकिन यह है कि अभी दाने पर लग चुका है फिर भी क्यों ढूंढ रहा है दाना, ये देखो दोस्तों। तो ये है, इस टाइप से हम अपने फार्म पर जो है कि बच्चे का वजन मतलब तेज़ी से ग्रो करवा सकते हैं बिना कुछ एक्सटर्नल चीज़ यूज़ करके। जैसे कि हम बहुत चीज़ें होती हैं हम बच्चे को वजन बढ़ाने के लिए ये लगा दो ये कर दो, ऐसा हमें कुछ भी यूज़ नहीं करना है, हमें बेसिकली बच्चे को सिंपली ग्रो करना है ताकि वो नॉर्मली ग्रो हो और उस पर कोई बीमारी ना आए। क्योंकि दोस्तों ये बहुत सॉफ्ट होता है बच्चा, बहुत सॉफ्ट है, मतलब बीमारियों का बहुत इसमें ज़्यादा चांसेस रहता है, तो इस चक्कर से हमें इसे बाहर की चीज़ ज़्यादा लगानी नहीं चाहिए, इस पर जो नेचुरली इस पर लगती हैं वही चीज़ लगानी चाहिए। तो अभी देखिए ये तो रही दोस्तों मेरी वजन कैसे बढ़ाएं, और दूसरा मेरे फार्म पर आज बर्ड्स का वजन कितना है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपके फार्म पर क्या है, बच्चा कितने दिन का बच्चा हो गया। दोस्तों आजकल मंडी भी बहुत अच्छी आ चुकी है, मंडी भी जैसे कि आप देख होंगे 115 प्लस हमारे उधर, तो उत्तराखंड में 115 प्लस है मंडी, आपके उधर कितनी है कमेंट डाउन करके ज़रूर बताएं मुझे। थैंक यू।